Assalamu alaikum, dear students. I am Manjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT. Uh, today, I am going to start the hypothalamus pituitary connection as well as we will discuss the hormones of pituitary gland. So, let's move on. dear students, now going to discuss uh, the various uh, endocrine glands. So, first of all, start karte hypothalamus. Yahan se top se bottom ki the top se bottom? Ki तो पहले हाइपोथैलमस ब्रेन से स्टार्ट करते हैं ब्रेन में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द हाइपोथैलमस एज पर अवर द करिकुलम सो हाइपोथैलमस थैलमस के बिल्कुल नीचे रीजन हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स में होपफुली यू नो तो हाइपोथैलमस और पिचुड्रीन इनका बहुत गहरा ताल्लुक है भाई बहुत पुराना ताल्लुक है और बहुत गहरा ताल्लुक है सो so, हाइपोथैलमस के अंदर जो कि हमें पता है ये और कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमने पहले भी डिस्कस किया ब्रेन के कुछ फंक्शंस के अतबार से ये अपने हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से और इसी तरह से जो इसके न्यूरॉन्स हैं उसकी वजह से ये केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन के दरमियान ये मेजर कोऑर्डिनेटर है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मास्टर चीज़ है हमारे ब्रेन की हाइपोथैलेमस तो हाइपोथैलेमस और पिचुटरी का यह इनका आपस का बहुत गहरा ताल्लुक ठीक है और ये एक दूसरे का लंगोटिया कह सकते हैं इनका एक दूसरे का बगैर गुजारा नहीं है तो हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स याद रखिएगा न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स एक तो जस्ट न्यूरॉन्स हैं जो हाइपोथैलेमस बना रहे हैं एक है न्यूरोसेरेटरी सेल्स वो सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं तो वो जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं दे आर द हारमोन्स क्लियर सो दे सिंथेसाइज याद रखिएगा बहुत अहम चीज दो हॉर्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं यहां पर दो प्राइमरी हार्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में एक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द वेजोप्रेसिन या ए जिसको कहते हैं और दूसरा है ऑक्सीटोसिन ये भी ये दो हार्मोन्स जो कि प्रोड्यूस कहाँ पर हो रहे हैं हाइपोथैलमस में हाइपोथैलमस के जो न्यूरोक्रिटरी सेल है उसकी सेल बॉडीज में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल बॉडीज के अंदर ये सिंथेसाइज होंगे और फिर वहाँ पर ग्रेन्यूल्स की शक्ल में ये पैक होंगे एंड दे विल बी मूव डाउन टू द एक्सॉन्स और इनके जो एक्सॉन होते हैं वहाँ के जो साइनेप्टिक नॉब्स हैं दे फॉर्म द सानेप्स विद द ब्लड कैपिलरीज और वहाँ पर जाकर के स्टोर हो जाएंगे और जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो पोस्टीरियर पे की सर्कुलेशन में ये रिलीज हो जाएंगे वहां पर फिर ये अपना अपना काम दिखाएंगे जैसे जैसे इनकी रूट रूटीन में नॉर्मल फंक्शनिंग होती है तो हाइपोथैलमस में दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक तो रिलीजिंग फैक्टर्स और एक इनहिबिटिंग फैक्टर्स सो इट इज अ बैटरी ऑफ हार्मोन्स एक लंबी चौड़ी लिस्ट है ठीक है जो मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स यहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर वो इफेक्ट किसको करने एंटीरियर पिच्यूटरी के हार्मोन्स को इसीलिए हमने वर्ड यूज किया हाइपोथैलमस पिच्यूटरी कनेक्शन तो आइए चलते हैं ज़रा देखते हैं कि हाइपोथैलमस से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है और उसका एंटीरियर पिच्यूटरी पे क्या रिस्पॉन्स उसको रिस्पॉन्स किस तरह से कर रही है तो सबसे पहले द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या जिसको हम इसका दूसरा नाम द सोमैटोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर ये रिलीजिंग फैक्टर हमने बात की ना रिलीजिंग फैक्टर हैं और इनहिबिटरी फैक्टर्स फैक्टर से रिलीज हो रहे हैं तो जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या सोमेटोट्रो सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा तो एंटीरियर पिच्यूटरी उसका क्या रिस्पॉन्स करेगी इट विल इट विल सिक्रीट द ग्रोथ हॉर्मोन या जिसको हम कहते हैं सोमेटोट्रोफिक हार्मोन जिसको सिक्रीट करेगी जहां तक बात है सोमेटोस्टेटिन की यह इनहिबिटरी हार्मोन है जैसे ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा एंटीरियर पिच्यूटरी पर जाएगा तो क्या होगा इट विल इनहेबिट इट विल इनहेबिट द ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोफिक हॉर्मोन सिक्रेशन उसको रोक देगा क्लियर ये इनहेबिटरी है सोमैटो नेक्स्ट इज टी आर एफ द थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर दैट इज थायरोन Releasing factor, releasing factor so, का मतलब रिलीजिंग फैक्टर ठीक है रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं इसको सो यह कहां एक्ट करेगा यह एंटीरियर पिच्यूटरी से रिलीज करवाएगा इट विल सिक्रीट द एंटीरियर पिक्यूटरी विल सिक्रीट इन रिस्पॉन्स टू दिस हॉर्मोन सिक्रीट द थारॉइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन टी एस एच क्लियर और देन देर इज कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इसे कहते हैं कॉर्टिको ट्रोफिन आगे आर का मतलब तो समझ गए रिलीजिंग फैक्टर तो ये जब सेक्रेट होगा हाइपोथैलेमस से एंटीरियर अपॉर्च्यूनिटरी रेस्पॉन्स क्या करेगी इट विल सेक्रेट इट विल सेक्रेट एड्रीनो कॉर्टिको हार्मोन हॉर्मोन ए सी टी एच कहां पर एक्ट करेगा इट विल एक्ट अपॉन द एडिशनल कॉर्टेक्स क्लियर आगे चलकर डिस्कस करते हैं देन दी आई एफ दैट इज प्रो लैक्टिन इनहेबिटरी फैक्टर इनहेबिटरी फैक्टर ठीक है और नाम से जाहिर है इट इटव इनहेबिट विल इनहेबिट क्टिन सेक्रेशन कहा से प्रोलेक्टिन कहां सेक्रेट होता है इंटीरियर पचर से यू नो वेरी वेल एंड देन देर इज जी एन आर एच दैट इज द गोनेडो ट्रोफिन गोनेडो ट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन और रिलीजिंग फैक्टर तो ये क्या करेगा एंड इसके रिस्पॉन्स जब ये रिलीज़ होगा एंटीरियर पच्यूटरी में तो एंटीरियर पेच्यूटरी किस तरह से रेस्पॉन्स करेगी इट विल सेक्रेट द एफ एस एच इट विल सेक्रेट एल एच एंड इट विल ऑल्सो सेक्रेट द प्रोलैक्टिन ये तीन हारमोन्स हैं जो कि गुनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन की वजह से एंटीरियर पचूटरी रिलीज करेगा ठीक चले सो दैट वॉज द हाइपोथैलमस लेकिन याद रखना है हाइपोथलमस हार्मोन कौन से प्रोड्यूस कर रहा है वो दो ही हैं ये प्राइमरी हार्मोन्स हैं ठीक है प्राइमरी हार्मोन्स उन हार्मोन्स को कहते हैं जो जब अपने टारगेट पर पहुंचे और अपना फंक्शन परफॉर्म कर दें एक होते हैं सेकेंडरी हार्मोन्स सेकेंडरी हार्मोन्स क्या करते हैं वो खुद जाकर किसी मतलब कि किसी सेल या टिश्यू के ऊपर कोई अपना फंक्शन मतलब कि एज इट इज सेल को और के अंदर कोई पहले से मौजूद बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टिमुलेट या इनहेबिट नहीं करवाते बल्कि ये मुख्तलिफ ग्लैंड्स को जाकर स्टिमुलेट करवाते हैं या इनहेबिट करवाते हैं कि भाई जाकर तुम अपने सेक्रेशन को स्टार्ट करवाओ और अपना काम दिखाओ उनको सेकेंडरी हारमोन्स कहा जाता है तो ये दो और तरह से क्लासीफिकेशन है बेसिस अपॉन द साइट ऑफ टारगेट दे आर गोइंग टू परफॉर्म देयर फंक्शंस तो प्राइमरी हार्मोन डायरेक्ट एक्शन सेल के ऊपर डायरेक्ट एक्शन है ठीक है और सेकेंडरी हारमोन वो जाकर दूसरे एंटोक्रोइ ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई अपने हारमोन्स को निकालो तो दो प्राइमरी हॉर्मोन्स है कौन कौन से ए डी एच और ऑक्सीटोसिन बाय द हाइपोथैलमस हाइपोथैलमस में कौन से न्यूरोसिक्रेट सेल्स चलिए अब मूव करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे तो नेक्स्ट ब्रेन के अंदर हाइपोथैलमस के बिल्कुल नीचे छोटा सा मटर के दाने के साइज का द पिट्यूटरी ग्लैंड इसका दूसरा नाम इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपो फाइसिस ग्रीक में कहते हैं हाइपो का मतलब बिलो फाइसिस का मतलब ग्लैंड और सेरिब्री का मतलब ब्रेन के नीचे तो ब्रेन के नीचे एक छोटा सा ग्लैंड है एंडोक्रेन ग्लैंड है जिस इज कॉल्ड एज द पिचुट्री ग्लैंड ठीक है इसको दैट इज बेसिकली ओवाइड शेप याद रखनी है ओ वाइड ठीक है नॉट स्फेरिकल इट इज ओ वाइड जीरो पॉइंट फाइव ग्राम्स ठीक है इन अंदर एडल्ट्स के अंदर इन एडल्ट्स होपफुली आपको अब पता चल चुका है हम जितने भी इस तरह की रीडिंग्स की बात करते हैं तो उन्होंने एडल्ट्स की ही रीडिंग्स को कंसीडर किया जाता है अनलेस कि हम बच्चों के लिए स्पेसिफिकली और बुढ़ों के लिए स्पेसिफिकली मेंशन ना करें सो इट इज ओ वाइड एंड जीरो पॉइंट फाइव रैम ठीक है इन स्ट्रक्चर अच्छा ये ब्रेन के साथ चूंकि ब्रेन के नीचे हाइपोफाइसिस तो ब्रेन के साथ कैसे अटैच्ड है ये देखिएगा यू नो वेरी वेल हम पहले इसको देख भी चुके हैं लाइक दिस सो दिस इज अब ये जो स्टॉक है ये वाला जिसके जरिए ये अटैच है टू द ब्रेन ऊपर हाइपोथेलमस के बिल्कुल चाहिए पड़ा है दिस इज कॉल्ड इनफंडिबोलम इनफंटीबोलम क्लियर दिस वन सो द स्टॉक द स्टॉक बाय विच पिचविट्री इज अटैच्ड To brain that is called infundibulum. Arabeska lobes, you lobes. This is the anterior lobe, anterior lobe. This is the median lobe, median lobe, and this is the posterior. तो तीन लोब्स एंटेरियर लोब विच इज कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसको एडीनो uh, हाइपोफाइसिस भी कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडीनो हाइपोफाइसिस ठीक है हाइपोफाइसिस तो जनरल नाम है छोटे ग्लैंड तो इसे कहते हैं एडीनो हाइपोफाइसिस या इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड और uh, Uh, इससे इट्स सेक्रेट्स याद रखिएगा एम सी क्यू इट्स सिक्स हॉर्मोन्स सिक्स हार्मोन्स और ये जो सिक्स हॉर्मोन्स हैं आर ट्रॉफिक हॉर्मोन्स ठीक है मीडियल लोब इसमें से सेक्रेट्स ये छोटा सा है बिल्कुल छोटा सा सेक्रेट्स वन हार्मोन ये एक ही हार्मोन सेक्रेट करता है वन जी कौन सा है शाबाश इट इज एम एस एच द मिलेनो फॉर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन लोब इसको कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस क्लियर इसका दूसरा नाम जैसे उसको अडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और यहां से कितने हार्मोन सिक्रेट हो सिक्रेट हो रहे हैं टू हार्मोन्स टू हॉर्मोन्स यहां से कौन कौन सा जी शाबाश फटाफट एक तो एडीएच एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन और दिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन क्लियर यहां से छः कौन से रिलीज हो रहे हैं सो देर इज अ लिस्ट लिस्ट बना लेते हैं आसानी रहेगी एक तो सुमेटोट्रोफिक हॉर्मोन नंबर वन नंबर टू थारॉइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन नंबर थ्री एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हॉर्मोन नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फोर आर द गुनेडोट्रोफिक गुनेडोट्रॉफिक हॉर्मोन अब जो गुनेडोट्रॉफिक हॉर्मोन है वो तीन है तो तीन तो ये हो गए और गुनेडोट्रॉफिक क्या फर्दर तीन है एक तो एफ एस एच फॉरिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन एल एच जो जिसको हम कहते हैं आई सी एस एच और तीसरा प्रोलैक्टिन क्लियर तो तीन वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स क्लियर तो यह छह हॉर्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर लोब से मास्टर क्लैंड से सेक्रेट हो रहे हैं एक लोब एक जो है मीडियम लोब से दो पोस्टीरियर लोब से सो लेट्स हैव अ लुक इन डिटेल सो नाउ the एंटीरियर पिच्युट्री एंटीरियर पिचुएट्री सो एंटीरियर पिच्युट्री द मास्टरग्लैंड यहां पर दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना मास्टर ग्लैंड एडीनोहाइपोफाइसिस हाइपोफाइसिस सिक्स हार्मोन तो पहले डायरेक्टली इसके हार्मोन से स्टार्ट करते हैं सो दो पहला हार्मोन जो है दैट इज सोमैटो

ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और द फैक्टर और द सोमैटो रिलीजिंग फैक्टर एस आर एफ ठीक है सोमैटो रिलीजिंग फैक्टर सोमैटो ट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर अब याद रखना है इट इट इज ये दोनों जो के सिनेम्स हैं रिलीज थ्रू आउट द लाइफ सारी जिंदगी रिलीज होते रहते थ्रू आउट लाइफ क्लियर और हमारी जो लाइफ है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं किस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ अवर ग्रोथ एक है एडोलेशंस और फिर एक एडोलेसंस के बाद एडोलेसंस तक जो है हमारी हड्डियाँ ग्रो करती हैं हमारे अंदर हमारा कद बढ़ता है ये आमतौर पर जो उम्र है ये 10 साल से लेकर के 19 साल तक की जो उम्र है वो एडोलेसेंस कहलाती है ठीक है तो हम इसको देखेंगे नॉर्मली क्या कहता है कि इट इन इट कंट्रोल्स सो इट इट कंट्रोल्स द ग्रोथ रेट अप टू एडोलेसेंस एडोलेसेंस ठीक है एडोलेसेंस तक तो ऐसा किया ठीक है ग्रोथ रेट को एंड इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस हाइट एज वेल भी बढ़ता है इससे बट आफ्टर आफ्टर ये तो बात हो रही है ड्यूरिंग एडोलेशंस ठीक है टू आफ्टर ग्रोइंग एज जैसे हमारी ग्रोइंग एज खत्म हुई आप भी क्योंकि हमने बात की है, सारी जिंदगी रिलीज होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसका काम क्या है प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस ठीक है तो अब हम यहां से नहीं बल्कि ऐसे को बढ़ना शुरू हो जाएंगे ठीक है प्रोटीन जैसे हम बल्कि होना शुरू हो जाएंगे तो यह तो इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग अब आ जाए नॉर्मैलिटी पर तो एबनॉर्मैलिटीज में एबनॉर्मेलिटीज एबनॉर्मेलिटीज में या एबनॉर्मल सिक्शन में एक हम देखेंगे ड्यूरिंग ग्रोइंग एज जब ग्रोइंग एज चल रही है उस वक्त क्या हो सकती है एंड आफ्टर ग्रोइंग एज जब ए, हमारी ग्रोइंग एज खत्म हो गई उसके बाद क्या होगा आफ्टर ग्रोइंग एज तो ड्यूरिंग ग्रोइंग एज इफ इट इज अंडर सेक्रेटेड इट्स अंडर सेक्रेशन इट्स अंडर सेक्रेशन इट लीड्स टू डोरफिजम बोने छोटे छोटे कत साढ़े तीन फुट के तीन फुट के लोग वो इस ऐसा होता है कि ग्रोइंग एज में नॉर्मल से कम लेवल पे सेक्रेट हुआ तो इट लीड्स टू डॉफिजम ड्यूरिंग ग्रोइंग एज ओवर सेक्रेशन अगर हो जाए ओवर सेक्रेशन, सो इट लीड्स टू जाइगेंटिज्म जाइगेंटिज्म लंबे लंबे कत ठीक है साढ़े छः छः सात सात आठ आठ फुट के कद ठीक है तो अगर ग्रोइंग एज जब हड्डियों के अंदर ग्रोथ की एबिलिटी थी ये जरूरत से ज्यादा सिक्रीट हुआ ओवर सिक्रीट हुआ तो फिर लंबे लंबे आलम चन्ना का नाम सुना होगा आपने सोमो रेसलर का नाम सुना होगा आपने वो केन जो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ में ठीक है फाइटर है उसके या, या बिग शो ठीक है वो आपने देखा होगा सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओवर सिक्रीशन मीन्स जाइगेंटिज्म क्लियर आफ्टर ग्रोइंग एज अगर फ इट इज सिक्रेटेड इन एक्सेस आफ्टर ग्रोइंग एज इफ सिक्रीटेड इन एक्सेस जरूर से ज्यादा सिक्रीट हुए नॉर्मल तो सिक्रीट हो रहा है तो उससे क्या हो रही है प्रोटीन सेंथसिस आफ्टर ग्रोइंग एज अगर एक्सेस में सिक्रीट हुआ लीड्स टू एक््रोमगैली एक््रो मगैली एक््रो मैगली का मतलब अब काद नहीं बढ़ेगा मेरी ग्रोइंग एज खत्म हो चुकी है अब मेरा कात नहीं पड़ेगा लेकिन अब अगर मेरी एज के अंदर इसकी एक्सेस हो जाए तो फिर क्या होगा इट लीड्स टू थिकनेस ऑफ इट थिकन्स बोन्स ऑफ हैंड फीट स्कल स्कल में खास तौर पे जो नोस एंड द मैंडिबल तो क्या होगा इनकी थिकनेस बढ़ जाएगी ये बड़े बड़े साइज के सिर्फ ये स्कल इसके चेहरे की हड्डियाँ बड़ी हो जाएंगी हाथ बड़े बड़े हो जाएंगे मेरे मेरे फुट बड़े बड़े हो जाएंगे मेरा लोअर जॉ बड़ा हो जाएगा लेकिन मेरा कद नहीं बढ़ेगा इस कंडीशन को कहते हैं एक््रो मैग्याली ये मैं एक छोटी सी डायग्राम से समझाया करता हूँ सपोज के ये एक नॉर्मल कद है एक इंसान है नॉर्मल कद का इसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो डॉर्फिज़म में क्या होगा डॉर्फिज्म में देखिए ये है जी डोर्फिज्म इसको मैं डी से रिप्रेजेंट करूं छोटे छोटे काल तीन तीन साढ़े साढ़े तीन फुट के लोग अच्छा जी अगर जाइगेंटिज्म में क्या होगा तो ये रहा जाइगेंटिज्म उसमें सारी पूरा स्केलेटन इंक्रीज करेगा दिस इज़ जाइगेंटिज्म लेकिन अब एक्रोकेली क्या है एकरो ये देखें मगैली में स्कल बड़ी हो गई देखें ये नक्का तो उतना ही है स्कल बड़ी होगी और हाथ बड़े हो गए और फुट बड़े हो गए सो दिस इज एक््रो मैं इस डायग्राम से एक्सप्लेन किया करता तो हूँ अपने स्टूडेंट्स को एंड यू आर माई स्टूडेंट्स g the anterior pituitary. Anterior pituitary. Master gland. The palates. हैव डिस्क दोमैटो ट्रोफिक हॉर्मोन ग्रोथ हॉर्मोन ठीक है इसकी हम डिस्कशन कर ली। अच्छा याद रखना कि ग्रोथ हार्मोन को इनहेबिट कौन करेगा बता तो चुका हूं वैसे चले यहां पर लिख भी लेते हैं इट इज इनहेबिटेड इनहेबिटेड बाय सोमैटो स्टैटिन कहां से रिलीज होगा फ्रॉम इपो थैलमस ठीक है हम बढ़ चुके हैं अब आ जाए दूसरे हार्मोन पे एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा हार्मोन दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन Or called the TSH, GTRs. Yes. So, its releasing factor that is the thyrotropin, thyrotrophin releasing factor, or called as TRF. from hypothalamus. So anterior pituitary, anterior pituitary releases thyroid stimulating hormone and uh, produced it is produced throughout the life.

थारॉक्सिन थाइरोक्सिन लेवल इन ब्लड ब्लड के अंदर जो थाइरोक्सिन का लेवल होगा वो कंट्रोल करेगा टीएसएच के लेवल को मतलब इफ थाइरोक्सिन इज लो अगर ये कम होगा इट विल प्रोड्यूस मोर थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और वो जाकर थाइराइड को स्टिमुलेट करेगा कि थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करो क्लियर और इसी तरह से जब थायरोक्सिन का लेवल ज़्यादा होगा तो टी एस एच की सेक्रेशन कम हो जाएगी क्लियर एंड वॉइस वर्सा सो इस तरह से दूसरे नंबर पर चूँकि ये तो प्रोड्यूस तो सारी जिंदगी हो रहा है थ्रू आउट द लाइफ याद रखना है प्रोड्यूस थ्रू आउट द लाइफ लेकिन इट्स लेवल्स इसकी थोड़ी जगह ले रहा हूँ ठीक है क्योंकि ये हम डिस्कस कर लिया अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ मैं एरो लगा दूं इट्स लेवल्स रीच हाई ये हाईएस्ट होते हैं हाईएस्ट कब होते हैं ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ पीरियड जब उम्र जब कद और बिल्ट एकदम से जल्दी जल्दी बढ़ रहा हो और वो कब होता है दैट इज ड्यूरिंग एडोलेसेंस एडोलेसेंस याद रखिएगा एडोलेसेंस को कहते हैं रैपिड ग्रोथ पीरियड ठीक है एंड डेवलपमेंट। उस दौरान इसके जो लेवल्स होते हैं टीएसएच के वो पीक पे होते हैं हाईएस्ट होते हैं वैसे तो थ्रू आउट द लाइफ रिलीज हो रहा है लेकिन हाईएस्ट लेवल्स या एमसी की उसके लिए मार्गाले हाइएस्ट लेवल्स कब ज्यूरिंग रैपिड ग्रोथ यानी कि एडोलेसेंस एंड डेवेलपमेंट एंड इट ऑल्सो इंक्रेजिस किसकी बात हो रही है टीएसएच की इंक्रेजिस मीन्स द टीएसएच द नंबर ऑफ थ सेल्स वो भी बड़ा हाएगा जिसकी वजह से ग्वाइटर भी हो सकता है ठीक है गिलड एंड secretory एक्टिविटी ऑफ थायराइड मतलब T3 T4 के लेवल को बढ़ाना ये दोनों इसी के जिम्मे है जब टी एस एच इंक्रीज होता है सो so ये इंक्रीज करता है थायराइड सेल्स को नंबर इंक्रीज होने नंबर ऑफ थायराइड सेल्स ठीक है इंक्रीजेस द नंबर ऑफ थायराइड सेल्स एंड ऑल्सो द सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द थायराइड क्लियर बात इसके अलावा एक और चीज मेंशन करता चलो टी एस एच लो और लैक कॉजिस हाइपोथायराइडिज्म हाइपो थायराइडिज्म याद रखिएगा एंड टी एस एच ई लेवल्स अगर हाई हो जाएगा सो इट इट कॉजिस हाइपर थारॉयडिज्म हाइपर थाइराइडिज्म क्लियर तो क्लियर हुआ आपको टीएसएच ये सारी चीजें एमसी की उसके लिए मार्क करनी है इसका रिलीजिंग फैक्टर थारॉइड थाइराइड प्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर कहां से आया हाइपोथरमस से रिलीज क्या करवाता टीएसएच फ्रॉम द एटीरियर पिच्यूटरी प्रोड्यूस हो जाता है थ्रू आउ द लाइफ लेकिन हाइस्ट लेवल्स कम है हाइस्ट लेवल्स याद रखने एडोलिसेंस और यानी रेपिड ग्रोथ के दौरान और डेवेलपमेंट के दौरान ठीक है इसके लेवल्स को कौन कंट्रोल करता है टी एस एच के लेवल को ब्लड पर कौन कंट्रोल करता है इसके रिलीज़ को कौन कंट्रोल कौन करता है कंट्रोल है द लेवल्स ऑफ थायरॉक्सिन द ब्लड अगर थायरॉक्सिन का लेवल कम होगा तो हाइपोथेलोमस से ज़्यादा से ज़्यादा टी आर एफ आएगा और ये टी एस एच ज्यादा सेक्रेट होगा और ज्यादा से ज्यादा जाकर थायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो थारॉक्सिन को प्रोड्यूस कर सके और वहां पर नंबर ऑफ सेल्स को भी इंक्रीज करेगा तो ये दो हॉर्मोन्स हो गए एंटीरो नाउ द थर्ड वन दैट इज लाइन लगा लें नाउ द एड्रिनो एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक और ट्रॉपिक हॉर्मोन और ए सी टी एच ठीक और कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर एस सी आर एफ कॉर्टिको trophin रिलीजिंग फैक्टर ठीक है इसका रिलीजिंग फैक्टर है जो कि कहां से है का हाइपोथैलेमस से ठीक है और इसको कौन कंट्रोल करेगा विच इज कंट्रोल्ड बाय द लेवल्स ऑफ स्टीरॉइड्स लेवल्स ऑफ स्टीरोड्स कहां पर इन ब्लड ब्लड में स्टीरोइड्स का लेवल कंट्रोल करता है कॉर्टिकोट्रोफी रिलीजिंग फैक्टर को मतलब कि इफ द स्टीरॉयड लेवल स्टीरोइड लेवल लो होगा तो ए सी टी एच का लेवल हाई होगा यह ज्यादा रिलीज होगा बिकॉज के हाइपोथेलमस से कॉर्टिकोट्रॉफी रिलीजिंग फैक्टर ज्यादा आएगा एंड इट विल एक्ट अपॉन एंड वाइस वर्सा ठीक है ए सी टी एच एक्ट अपॉन एड्रीनल नाम से जाहिर है एड्रीनो का मतलब एड्रीनल कॉर्टिको एड्रीनो कॉर्टिको मतलब कि एड्रीनल कॉर्टेक्स ठीक है, ट्रॉफिक हार्मोन। सो इट एक्ट्स अपॉन द एड्रीनल एड्रीनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस कॉर्टिकोस्टीरोइड्स कॉर्टिको लाइक द कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टीरोन एंड एल्ड्रोस्टीरोन एंड एंड्रोचि एंड्रोचिन तो ये चार हॉर्मोन्स को कलेक्टिवली कहा जाता है कॉर्टिकोस्टिरोइड्स जो कि कौन प्रोड्यूस करवाएगा एसीटीएच कब प्रोड्यूस करवाएगा जब ब्लड के अंदर इन कॉर्टिकोस्टीरोइड्स का लेवल कम हो जाएगा क्लियर और ये स्टूडेंट्स इट इज ऑल इट इज ऑल्सो रिलीज एसीटीएच ACTH सी टी एच रिलीज्ड डायरेक्टली एक तो ये इस सी आर एफ के अंडर दूसरा डायरेक्टली बाय हाइपोथैलमिक स्टिमुलेशन ड्यूरिंग ड्यूरिंग स्ट्रेस जब भी कभी स्ट्रेस होगी तो तब भी जब भी कभी स्ट्रेस होगी तो तब भी रिलीज होगा ए सी टी एच स्ट्रेस का मतलब यहां पर क्या है स्ट्रेस मीन्स दैट इज पेन दर्द के दौरान ड्यूरिंग फ्राइट किसी खौफ के दौरान ड्यूरिंग इन्फेक्शंस जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो ड्यूरिंग हीट और कोल्ड ठीक है जब भी इस तरह की कोई स्ट्रेस कंडीशन होगी बॉडी में तो ए सी टी एच विल बी रिलीज इन ऑर्डर टू कोप द इमरजेंसी सिचुएशन क्लियर सो इस दौरान इनके लेवल्स काफी हाई रहते हैं इनकी ए सी टी एच की कमी या ज्यादा इसकी डेफिशंसी या फिर इसकी एक्सेस ये इफेक्ट करेगी एड्रीनल कॉर्टेक्स की सेक्रेशंस को चले अब आते हैं The next one, the next one are the gonadotrophic hormones, gonadotrophic hormones, which are called as GNH. Okay, so releasing factor can

प्रोड्यूस करवाएगा तीन हॉर्मोन्स गोनेडोट्रोफिना आके तीन हॉर्मोन्स हैं नंबर वन इज एफ एस एच द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन डियर so स्टूडेंट्स इसका मेल में भी रोल है फीमेल में भी रोल है अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज कहीं रहना चाहे एक एक फैक्टर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हॉर्मोन रिलीजिंग हॉर्मोन और फैक्टर इसे कहते हैं एल एच आर एच ये दूसरा फैक्टर है इट इज कॉमन फॉर इट इज कॉमन फॉर एफ एस एच प्लस एल एच ये दोनों एक ही रिलीजिंग फैक्टर को शेयर करते हैं और रिलीजिंग फैक्टर का क्या नाम है लिटनेसिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन तो एफ एस एच इस हार्मोन के अंडर सिक्रिट होगा इसके दो रोल पहले फीमेल्स में देख लेते हैं ये मेडिकल साइंस याद साइन याद है आपको फीमेल्स के लिए होता है ठीक है सो फीमेल्स में इट विल स्टिमुलेट ओवरिस टू प्रोड्यूस फॉलिकल्स ठीक है ओवरिज ओवरिज की क्या जर्मिनल एपिथीलियम को जर्मिनल एपिथीलियम और मेल्स के अंदर भी रोल है ठीक है सिर्फ फीमेल्स में नहीं मेल्स में भी रोल है इसका दिस इज द मेडिकल साइंस फॉर मेल्स मेल्स में इट्स स्टिमुलेट्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस टू स्टीमुलेट स्टीमुलेट spermatogenesis क्लियर spermatogenesis को ये स्टीमुलेट करवाएगा ठीक है और नाउ द एफ एस एच के बाद इट इज एल एच दूसरा गुनेडोट्रॉफिक हार्मोन, एल एच ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन तो फैक्टर इनका मैंने बता दिया सेम एक ही रिलीजिंग फैक्टर है जो कि इनको रिलीज करवा रहा है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स में एफ एस एच प्लस एल एच यह क्या करवाएगा इट विल स्टिमुलेट द ओवरिज टू प्रोड्यूस एक तो एस्ट्रोजन को कंट्रोल करेंगे प्लस इट ऑल्सो लिड्स टू ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन भी करवाएगा एल एच जो है लिटनाजिंग हॉर्मोन ठीक है प्लस फॉर्मेशन ऑफ अब जो एल है स्पेशली इट इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम आपको पता है वो येलो ग्लैंड येलोश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूसिस प्रोजेस्टीरॉन जो क्या प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टीरोन द हॉर्मोन ऑफ प्रेगनेंसी और एल एच एल एच प्लस प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन ये दोनों मिलकर मेंटेन करते हैं दे मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम इंपॉर्टेंट है मार्कॉल जी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी यही करवा रहे हैं ठीक है कौन कौन एल एच और प्रोलैक्टिन मिलकर ऐसा करवा रहे हैं एफ एस एच और एल एच मिलकर के करवा रहे हैं ओवल्यूशन भी करवा रहे हैं एस्ट्रोजन भी वो सिक्रिएट करवा रहे हैं ठीक है तो ये चीज जहर में रखनी है आपने एफ एस एच और इनका कॉम्बो एफ एस एच और एल एच का कॉम्बो और एल एच और प्रोलैक्टिन का कॉम्बो ये क्या करवा रहा है और छठा हॉर्मोन यानी कि गोनेडोट्रोफिक तीसरा हॉर्मोन दैट इज प्रोलैक्टिन या इसको कहते हैं समटाइम्स दिस वर्ड ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूटियोट्रॉफिक हारमोन ल्यूटियोट्रॉफिक हॉर्मोन और एल टी एच एल टी एच भी कहते हैं इसको अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स एल एच जो है ना वो मेल्स में भी होता है इसका रोल मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्किप कर लूँ आपके लिए इस सेट पर थोड़ा सा लेके आता हूँ इसको मैं बाउंड करता हूं ताकि ये एक ही टेबल बन जाए हमारा तो मेल्स के अंदर जो एल एच है वो कहलाता है आई सी एस एच आई सी एस एच डेट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन तो नाम से काम जाहिर हो गया इसका इंट्रस्टल सेल स्टुलेटिंग हॉर्मोन यह एनोलॉग है एल एच का मेल के अंदर हमारे अंदर हमारे अंदर एल एच क्या कहलाता है इंटरस्टल सेल स्टिबलेटिंग हारमोन तो हमारे जो इंट्रस्टेशल्स हैं टेस्टिस के जो सेमनी फेरस्टिब्यूल के दरमियान जो सेल्स होते हैं यह उनको स्टिबुलेट करेगा सो इट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इट विल प्रोड्यूस टेस्टोस्टीरोन टेस्टोस्टीरोन तो मेल के अंदर इसका यह रोल चलें अब आ जाए प्रोलेक्टिन के ऊपर जिसको समटम्स ये भी कहा जाता था ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन या एल टी एच इसको एल एच के साथ मिक्स नहीं करना सिर्फ एक टी का फर्क आ रहा है एब्रीवेशन में सो ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन दैट इज द प्रीवियस नेम ऑफ द प्रोलेक्टिन प्रोलेक्टिन का क्या काम है इट एक्ट्स ऑन मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल्स के जो मेमोरी ग्लैंड हैं वहां पर एक्ट करेगा टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस मिल्क मिल्क प्रोडक्शन के लिए बच्चा जैसे जैसे दूध पीता जाता है प्रोलैक्टिन मजीद रिलीज होता रहता है और याद रखिएगा प्रोलैक्टिन जो है ये इनहेबिट कर देता है इसको एफ एस एच को ठीक है तो जब तक प्रोलेक्टिन रहेगा इसके लेवल्स हाई रहेंगे एफ एस एच कम सिक्रीट होगा मतलब कि एस्ट्रोजन कम सिक्रिट होगा मतलब कि एल नहीं रिलीज होगा एल रिलीज़ नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगी मतलब कि फिर एग प्रोड्यूस नहीं होगा मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है तो ये नेचुरल वे है वो फैमिली प्लानिंग का तो जब तक बच इसलिए कुरान पाक में जो हुक्म दिया गया अल्लाह कभी बशमआ फरमाए कि दो साल तक अपनी औलादों को जो है वो दूध पिलाना चाहिए माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएँ तो दो साल तक जब मुसलसल वो बच्चों की क्योंकि खुराक यही है वो तो मुसलसल अगर कॉन्टीन्यूसली उनको दूध अपना वो ब्रेस्ट मिल्क पिलाती हैं जो फीमेल्स अपने पैदा होने वाले बच्चों को तो उससे क्या होता है कि प्रोलेक्ट्रीन का लेवल हाई रहता है प्रोलेक्ट्रीन का हाई लेवल रहने की वजह से ओवुलेशन नहीं होती मतलब कि सेल रिलीज़ नहीं होता तो फिर दोबारा से प्रेगनेंसी के दो साल तक चांस कम हो जाते हैं अगर मदर टोटली बच्चे को किसके ऊपर पाल रही हो ब्रेस्ट मिल्क पे अगर वो बीच में दूसरी खुराक शुरू कर दे ठोस गिजाई शुरू कर दे तो फिर ये इसका इफेक्ट कम हो जाता है याद रखिएगा लेकिन ऐसी माइं जो मुकम्मल तौर पर सिर्फ बच्चों को अपना दूध पिला रही हैं दो साल तक तो ऐसी कंडीशन में जो है वो ओवोलेशन के चांसेस नहीं होते क्लियर सो प्रोलैक्टिन ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है लेकिन इसका जो रोल मैंने आपको बता दिया है कि एलएच के साथ मिलकर के ये क्या कर रहा है प्रोलैक्टिन ये मेंटेन करवाता है कॉर्पस ल्यूटियम को और कॉर्पस ल्यूटियम फिर क्या करवाता है ये वाला अपने इसका रोल याद रखना है इसका कॉम्बो किसके साथ हो रहा है एल एच प्लस प्रोलैक्टिन ठीक है सो इसे इट विल मेंटेन इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम सो दैट्स इट एफ एस एच और एल एच ये क्या कर रहे हैं ये एस्ट्रोजन की मतलब कि उसकी फॉर्मेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है ओवोल्यूशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है और जब उसमें से एल एच के लेवल हाई होते हैं तो तेरहवें और चौदहवें दिन ये जब इसका लेवल पहुँच जाता है एल एच का हाई तो उस दौरान फिर क्या होता है कि वो जो मेच्योर फॉलिकल जो ग्राफियन फॉलिकल था उसमें उसको रप्चर करवाया जाता है और रप्चर करवाने के बाद वहाँ से वो सेकेंडरी ओसेट यानी कि एग सेल निकल जाता है और रिमेनिंग को येलो में ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करवा दिया जाता है जी तो डे स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा इफ देर इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टूडेज लेक्चर यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट्स बॉक्स आवर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट विल आंसर यू सोन सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फिल द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज़